नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रोलॉजी स्टार चैनल में। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सचिन तेंदुलकर, धीरू भाई अंबानी, इन सब में क्या कॉमन है? इन सब में ये कॉमन है कि ये बहुत कामयाब तो रहे ही हैं, अपने अपने फील्ड में लीडर भी रहे हैं, और इन सबकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष था। हाँ जी, काल सर्प दोष, जिससे सारी दुनिया डरती है और एस्ट्रोलॉजर लोग भी इससे खूब डराते हैं और पूजा पाठ के नाम पे अच्छे खासे पैसे भी ऐंठते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि काल सर्प दोष क्या होता है और वाकई इससे कितना डरना चाहिए और इसकी रेमेडीज क्या होती हैं। काल सर्प दोष एक कॉम्बिनेशन होता है आपकी जन्म कुंडली में प्लैनेट्स की प्लेसमेंट का। आपको आपकी स्क्रीन पे दिखेगा कि जो जन्म पत्री है, इस जन्म पत्री में राहु और केतु के एक तरफ जब सारे प्लैनेट आ जाते हैं तो काल सर्प दोष का निर्माण होता है। काल सर्प दोष कई तरह के होते हैं, 12 तरह के होते हैं टू बी प्रोसाइज, जिसमें वासुकी, शेषनाग, पद्मा, महापद्मा इत्यादि 12 तरह के होते हैं। वो नाम इनको दिए गए हैं, अलग अलग भाव में अलग अलग जब काल सर्प दोष बनते हैं तो वो अलग अलग तरह के इफेक्ट भी देते हैं, ऐसा हमें बताया गया है। काल सर्प दोष के लक्षण क्या हैं, मतलब उससे क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं? देखो, कुछ प्रभाव तो ऐसे होते हैं जो बड़े जनरल हैं, जैसे कि वो व्यक्ति बड़ा मेहनती होता है और डिसप्रोपोर्शनेट ऑब्स्टेकल्स और डिलेज उसकी लाइफ में आते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे उसकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब रहती है, कुछ ऐसी प्रोलॉन्ग बीमारी है चलती रहती है जीवन में जिससे कि उसको जल्दी से छुटकारा नहीं मिलता है, परंतु ये जनरल चीजें हैं। टू बी स्पेसिफिक जो हमने देखा है, कालसर्प दोष का जो जातक होता है उसको उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे कि उसका पूरा जीवन की दिशा और दशा बदल जाती है, वो कभी कभी अपना पाथ भी चेंज कर लेता है। कालसर्प दोष के जो जातक होते हैं वो बहुत पैशनेट होते हैं, वो अपने काम के पीछे दीवाने होते हैं और अगर किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो फिर उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। कालसर्प दोष के जातकों का फेलियर रेट भी कुछ ज्यादा होता है, वो लाइफ में बार बार नीचे गिरते हैं, बार बार ऊपर उठते हैं। लगभग आप समझिए जैसे सांप सीढ़ी का खेल हम बचपन में खेला करते थे, वैसे इनकी लाइफ हो जाती है। परंतु कालसर्प दोष नेगेटिव दोष नहीं है और इसे डरने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि जब राहु का कोई पीरियड चले या केतु का पीरियड चले तो कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स जातक को देखने पड़ सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि कालसर्प दोष में पैदा होंगे और पूरी लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मैं कुछ सरल उपाय आपको बताने जा रहा हूं, ये उपाय अगर आप करेंगे आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा और कालसर्प दोष के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं इनसे आपको काफी हद तक मुक्ति मिलेगी। पहला तो ये है कि आप राहु के मंत्र को सुने। राहु का मंत्र, 10 महाविद्या का मंत्र बहुत इफेक्टिव होता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध है, ये आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इसको दिन में 3 बार सुन लें, बहुत पॉजिटिव मंत्र है, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है उसका और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप दिन में 3 बार सुने, पीरियड्स वगैरह में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सुन सकते हैं। दूसरा इसका उपाय है कि शिवलिंग पे आप जल जरूर अर्पित करें एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी में, वो चाहे वीकली कर लें, डेली कर लें, फोर्टनाइटली, मंथली, जैसे आप कर सकते हैं, बट रेगुलरिटी की इंपॉर्टेंस है। तीसरा, जो आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको आप खुश रखें, जैसे आपके सफाई कर्मचारी हैं, पीएनस एंड ड्राइवर, मेड्स, कुक्स, इन सबको आप हैप्पी रखें, सेटिस्फाइड रखें, इन सबका ध्यान दें, इनको अच्छे वचन बोलें, इनके साथ अन्यथा ही बहस ना करें, इनको डांटे फटकारे ना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और मंदिर में बुधवार वाले दिन 1 घंटा दान कर दें, जो पीतल का बड़ी घंटी होती है ना, इसको घंटा कहते हैं, वो दान कर दें और पंडित जी से या पुजारी जी से या टेंपल मैनेजमेंट से कह के आप उस घंटे को लटकवा भी दे जहां पे लोग उसको बजाएं। ये केवल जीवन में 1 बार करना है, ये बार बार नहीं करना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट उपाय है कालसर्प दोष का, वो है कि आप आवारा पशुओं को आप खाना खिलाइए, चाहे वो आवारा कुत्ते हैं, बिल्ली है या गाय है, उनका आप ध्यान रखिए, उनको फटकारिए मत, उनको आप परेशान ना करके उनको कुछ खाने पीने के लिए दीजिए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, अगर आप ये उपाय करेंगे गारंटीड है कि आपका लक फैक्टर बढ़ता रहेगा और कालसर्प दोष का जो इफेक्ट है वो बहुत कम हो जाएगा। उम्मीद है आप इनसे लाभान्वित होंगे
और हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, हमें उससे प्रोत्साहन मिलेगा।